पुलिस कितने भी सर क्यों ना हो जाए, लेकिन चोर हमेशा ही उनसे दो कदम आगे रहते हैं और बदमाश आसानी से घटना पर मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस सूचना के बाद मौके पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है। ऐसी एक खबर हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र से आ रही है, जहां एक कंप्यूटर की दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों की यह करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। कोतवाली शहर के मोहल्ला अशरफ टोला में पुरानी जेठानी गली में आशीष तोमर की देव कंप्यूटर के नाम से दुकान है, जहां पर दुकान का शटर तोड़कर घुसे चोरों ने 14 लैपटॉप, 2 एलईडी इन्वर्टर, बैटरी व 5,000 की नकदी समेत 4,00,000 रुपए का सामान चोरी कर लिया और सामान उठाकर फरार हो गए। चोरों ने चोरी की घटना को बड़े शातिराना ढंग से अंजाम दिया, लेकिन दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में चोर की व उनकी पूरी हरकत कैद हो गई है। जब दुकानदार सुबह दुकान खोलने पहुंचा तो उसे चोरी की वारदात पता चली। इसके बाद वहां दुकानदारों की भीड़ लग गई। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए काफी देर का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है, जिससे चोर के हुलिया और उम्र का तकाजा लगाया जा सकता है। पुलिस ने वीडियो को देखकर चोर की तलाश शुरू कर दी है। बताया गया है कि कुछ वर्ष पहले भी इसी दुकान में 3,00,000 की चोरी हो चुकी है। एएसपी ज्ञानंगे सिंह ने बताया कि मामले में पड़ताल की जा रही है। देव कंप्यूटर शॉप के नाम से दुकान है हमारी, ये जो आपके कृष्णा जनरल स्टोर वाली गली में है, और यहाँ पर बीती रात को 11 बजे मैं दुकान का ताला लगा करके अपने घर गया था। सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास जब मैं आया तो दुकान का शटर टूटा हुआ था, लॉक खुले हुए थे सारे, तो अंदर हमने उसको पुलिस को भेज दिला कि उसके बाद हमने अंदर जाकर के जायजा लिया, तो जिसमें कम से कम 14 लैपटॉप और 2 LCD बड़ी वाली TV 42 इंच की और इन्वर्टर की बैटरी, इतनी चीज़ें गायब हैं। और एक ऐसी घटना मेरे साथ पहले भी 2 साल पहले घट चुकी है, जिसमें खुलासा नहीं हो पाया था पुलिस का, जिसमें मैं 3-3.5 लाख रुपये की चोट में आया था, और दोबारा फिर से मेरे साथ ये घटना घटी है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, कृपया इसको थोड़ा सा फोकसली लेकर के और हमारी हेल्प करने की। लगभग कितना माल गया है? लगभग इस बार अब हम आइडिया लगा लेंगे, क्योंकि क्या क्या मटेरियल का औसत 4,00,000 के आसपास, लगभग 4-5 कैश भी था, कैश नहीं था, कैश लगभग 3,000 से 4,000 रुपये के आसपास था, जो बुक कर था वो भी गया हुआ है या नहीं गया हुआ, मैंने गुल्ला भी छुआ नहीं है, लेकिन बाकी जो है मेन मटेरियल जो है जो विजुअल है वो जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है कोतवाली शहर सिटी में, वहाँ पे चोरों ने नकबजनी की है और वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनके चेहरे उसमें नज़र आ रहे हैं और उनको अतिशीघ्र ट्रेस कर लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। सर, इसी दुकान में 1 साल पहले भी चोरी हुई थी, उसका भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। ये जो सीसीटीवी फुटेज है, इसके आधार पर चोरों का पता लग रहा है और अतिशीघ्र उनको पकड़ करके और उनसे पूछताछ करके अनावरण किया जाएगा, और अगर पूर्व में जो चोरी हुई है उसमें भी इनका कोई इन्वॉल्वमेंट है, इनके साथियों का हाथ है, तो उसको भी प्रकाश में लाया जाएगा और उनके रजिस्टर एक्ट की कार्रवाई कराई जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।